हाँ देखो बेटा, पिछले क्लास में हम लोग जहां तक पढ़ाई किए थे उससे आगे चलते हैं अपनी बातों को लेकर। तो हम लोग पिछले क्लास में तुमको हम रेशियो बता रहे थे, ठीक है, ए बाई बी इक्वल टू ए, क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, उसका अलग अलग तरीका बताए थे, तीन तरीका, तीन मेथड, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री। उस तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे इजी मेथड क्या है, पुट करना डायरेक्ट। जैसे ए बाई बी इक्वल टू 3/4 दिया है तो पुट करना, मतलब ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4 लेके पुट कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ये सबसे इजी है, ठीक है। लेकिन हम ये पुट कब करेंगे, कौन कौन से फॉर्म रहेगा, कब कब करेंगे, जैसे अगर हम तुमको बोल दें कि क्वेश्चन हम तुमको दे दें, इफ ए बाई बी इक्वल टू 3/4, ठीक है, और हम तुमसे पूछ दें कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर है, क्या होगा। हम तुमसे सेकंड पूछ दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ओनली 2a है तो फाइंड करो। हम तुमसे पूछ दें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर ए बी है तो क्या, हम तुमसे पूछ दें कि ए स्क्वायर माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हमारा है ए बी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम तुमको बोल दे 5 नंबर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम तुमको दे दें ओनली 2, दे चुके हैं 2 नंबर में दे दिए, छोड़ हटो, ये 4 है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, अलग अलग, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। देन अगर ए बाई बी इक्वल टू 3/4 है, ठीक है, ए बाई बी इक्वल टू 3/4 है, पॉइंट नंबर हम तुमसे पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट बताओ, ठीक है। हम तुमसे पूछेंगे सेकंड वाला का रिजल्ट बताओ, थर्ड वाले का रिजल्ट बताओ, फोर्थ वाले का रिजल्ट बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला का तुमको ध्यान देखना है, देना है कि a बाई बी इक्वल टू 3/4 है, हम किस में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तुम सोचो तो 1, 2, 3, 4 इसमें से कौन से है, कौन कौन सा है 1, 2, 3, 4 में जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर सही सही आएगा, बताओ। तो सोचो तो कौन कौन से, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, 1 एंड 4। एक बच्चे का रिप्लाई आया है 1 नंबर और 4 नंबर में डायरेक्ट पुट करेंगे तो आंसर हमारा सही आएगा, 2 और 3 में नहीं आएगा, ठीक है। और सोचो, देखो बेटा, कभी भी जब हम डायरेक्ट डायरेक्ट रेशियो हम पुट करते हैं तो सबसे पहला एक चीज तुमको ध्यान देना है, ठीक है, कहीं अपने भाषा में लिख भी लेना नोट करके, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इस दोनों का डिग्री जो है ना, डिग्री ये मेरा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके हम पुट करेंगे डायरेक्ट, अदरवाइज हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। डायरेक्ट पुट करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, हम तुमको दिखा देंगे अभी करके। तुम जैसे देखो यहां पर ए स्क्वायर, इसका डिग्री 2, बी स्क्वायर इसका डिग्री 2, ए स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 2, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, यहां पर पुट कर सकते हैं, 1 नंबर में हम पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहां पर देखो ए स्क्वायर यहाँ डिग्री 2 है, बी स्क्वायर यहाँ डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पर ए है, ओनली ए है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं, 1 है, कुछ नहीं है तो 1, मतलब नॉमिनेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट करें ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 इस यहाँ पर, तो हमारा रॉन्ग आंसर आएगा, गलत हो जाएगा आंसर, समझ पा रहे हो मेरी बातों को। अब जैसे तुम इसमें दे दो ए स्क्वायर इसका डिग्री 2 है, बी स्क्वायर इसका भी डिग्री 2 है, और ए बी इस टर्म्स का डिग्री कितना है, देखो ए का डिग्री 1 और बी का डिग्री 1, ए का बी का दोनों का डिग्री 1 1 है, तो जब भी रहेगा इस टर्म्स का बात बोलेगा ना, ये टर्म, ये कंप्लीट टर्म,
इसका डिग्री, तो डिग्री हमारा ये दोनों एड हो जाता है, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, मतलब नॉमिनेटर में भी डिग्री टू आ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी टू आ रहा है, तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं थ्री नंबर में। यहां पर तुम देखो यहां ए स्क्वायर है और यहां इसका डिग्री टू है, इसका डिग्री ए स्क्वायर, इसका डिग्री टू है, लेकिन बी यहां पावर कुछ भी नहीं लिखे हैं, तो मतलब इसका डिग्री वन हो गया, इसका डिग्री वन हो गया। डिनोमिनेटर में आओ, इस ए, इस टर्म्स ए इंटू बी, इस पर आओ, इस पर बात करो, ठीक है, इसका डिग्री, ए का डिग्री कुछ नहीं है तो यहां वन है, बी का डिग्री कुछ नहीं है तो यहां वन है, इस टर्म्स का डिग्री हमको बोलेगा ए और बी का डिग्री क्या होगा ये कंप्लीट इस टर्म्स का, तो हम जो डिग्री है ना दोनों का ऐड कर देंगे वन और वन टू, कंप्लीट ई का डिग्री हमारा टू होगा, ठीक है। देखो यहां पर टू है, यहां पर टू है, लेकिन यहां पर वन है, क्या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है क्या? नहीं है, तो हम यहां पर भी नहीं पुट कर सकते, यहां पर भी हम पुट नहीं कर सकते हैं। आ रहा बात बेटा कहां पर पुट करेंगे कहां पर नहीं, तो सबसे काम करना है तुमको जब डायरेक्ट पुट करना है तो चेक कर लेगा, ठीक है, कि कहां पर पुट करेंगे कहां पर पुट हम नहीं करेंगे, क्लियर है, समझ पा रहे हो मेरी बातों को तुम लोग जो भी बच्चे लाइव में हैं? बताओ बेटा समझ पा रहे हो, रिप्लाई देगा, जो भी बच्चे लाइव में हैं मेरे को रिप्लाई देके बताएगा जो चीज हम तेरे को समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, यस या नो? आवाज जा रहा है ना तुम लोग के पास? यस, एक बच्चे का रिप्लाई आया, अच्छा रिप्लाई देगा थोड़ा सा, मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? देखो हम इसको एक इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे अगर तुम इस क्वेश्चन को लेते हैं, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है टू, ठीक है, मेथड वन हम यहां डायरेक्ट पुट कर दिए, ए के जगह में पुट कर दिए थ्री और बी के जगह में पुट कर दिए फोर, यहां थ्री रखेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, यहां रखेंगे थ्री, थ्री टू जा सिक्स, नाइन और सिक्सटीन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा सिक्स, तो ये आया मेरा ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स इस मेथड से। अच्छा सेकेंड मेथड चेक करो, मेथड टू, अब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ए इक्वल टू थ्री के और बी इक्वल टू फोर के, हम तो ये भी रख सकते हैं ना, ऐसे भी बनाएंगे तो हमारा सेम आंसर आना चाहिए ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स ही आना चाहिए। तुम रख के देखो, यहां पर रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टू है, ए की जगह हम रखेंगे थ्री के तो क्या जाएगा नाइन के स्क्वायर, बी की जगह हम रखेंगे फोर के तो फोर फोर जाए सिक्सटीन के स्क्वायर, और ए की जगह हम रखेंगे थ्री के तो थ्री टू जाए सिक्स के, नॉमिनेटर से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो हम इसको लिख दे क्या 25 के स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 6k, ये एक k तो हमारा कैंसिल हो गया तो यहां पर आया 25k by 6, तो यहां पर तो एक k जो है ये तो k हमारा अननोन जो है ये तो मेरा अलग से आ गया है, कैंसिल कहां हुआ, तो हमको फिर से k निकालना होगा। आ रहा बात समझ में? तो ये आंसर और ये आंसर दोनों का दोनों डिफरेंट आंसर हो गया ना, आ रहा है बात समझ में? बोलो रिप्लाई देगा मेरे को, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? हाँ गुड बात, समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? तो देखो अब हम यहां पर, यहां पर मेरा की अलग से आ गया, की हमारा आ गया, तो अब हमको फिर से की निकालना होगा, और की वैल्यू नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री हमारा सेम नहीं था, तो एक चीज याद रखना कभी भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर हमारा सेम नहीं रहे तो डायरेक्ट कभी भी पुट नहीं करना है, अगर डायरेक्ट पुट किए तो हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में सही बच्चे को? बेटा अगर समझ में आ रहा है तो आगे हम चलते, बताओ जल्दी से रिप्लाई देगा मेरे को फास्ट? यस ठीक, वेरी गुड। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, ठीक है,
इसको हटा रहे हैं हम, अब देखो यहाँ समझो, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगो, ये जो कॉन्सेप्ट था ये था एलजेब्रा का, और ट्रिगो में हम लोग क्या करते हैं एलजेब्रा मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट एलजेब्रा का उठाते हैं और उसको ट्रिगो से रिलेट करके सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे हमारा दिया हुआ है इफ इफ टेन थीटा इक्वल टू, मेरे को दिया है कितना, फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री मेरे को दिया है, टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री, तो फाइंड फाइंड थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में दे दिया थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा, बोला इक्वल टू डेस डेस डेस, इक्वल टू डेस 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 फाइंड कीजिए। तो देखो इसको जो हम सॉल्व करेंगे ना, इसका बहुत सारा मेथड है। मेथड वन, मेरे को टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री दिया है, मेरे को क्या दिया है टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री, तो टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री है, तो हम इस टेन थीटा को तोड़ देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, इस टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, और यहाँ हो गया मेरा फोर बाई थ्री। अब बेटा हमको बोल रहा है ये निकालने के लिए, इसका रिजल्ट निकालने बोल रहा है, यहाँ से थ्री साइन थीटा प्लस क्या है टू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है थ्री साइन थीटा और माइनस क्या है टू कॉस थीटा। अब तुम यहां पर एक बार चेक करो, देखो साइन थीटा का, साइन थीटा का पावर कुछ नहीं है तो क्या है वन, तो डिग्री हमारा वन है साइन थीटा का। कॉस थीटा इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है वन, तो ये दोनों का हमारा क्या है सेम ही है पावर। साइन थीटा इसका पावर कुछ भी नहीं है तो वन है, और कॉस थीटा का पावर कुछ भी नहीं है तो वन है, मतलब दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री हमारा सेम है, तो हम रेशियो यूज कर सकते हैं, रेशियो बोला जाए जो अभी हम तुमको सिखाए, ठीक है। रेशियो कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा में तोड़ दिए, मतलब जहां साइन थीटा है वहां फोर रख दो, और जहां कोस थीटा है वहां थ्री रख दो, जहां साइन थीटा है वहां तुम फोर रख दो, ये क्या हो गया थ्री इंटू फोर फिर प्लस टू, और कोस थीटा जहां कोस थीटा है वहां थ्री रख दो, डिनोमिनेटर में थ्री इंटू फोर माइनस टू इंटू थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस टू थ्री जा सिक्स, थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस सिक्स, ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन, 12 माइनस सिक्स 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 थ्री जाए एटीन, आंसर थ्री, आंसर थ्री। आया बात समझ में, बताओ समझ पा रहे हो मेरी बातों को? यस, नोट कर लेगा बेटा, नोट कर लेगा जल्दी से फास्ट। नोट होने के बाद रिप्लाई दे देना जल्दी से फास्ट, नोट करेगा नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा। देखो रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करना ना, इस टाइप का क्वेश्चन रेशियो से बहुत इजी होता है सॉल्व करना, तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं। हो गया नोट, देखो इसका बहुत सारा मेथड है, एक तो हम ये मेथड वन एम वन, मेथड टू, मेथड टू एम टू, M2 देख लो, तुमको जो हम तुमको एक क्वेश्चन सिखा देते हैं बहुत सारा मेथड से, उसके बाद तुमको जिस मेथड से इजी लगेगा तुम उससे सॉल्व कर देना। हमको साइन थीटा बाई टेन थीटा को तोड़ दिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री। अब यहां से बेटा हम इस थ्री साइन थीटा को इधर साइड मल्टीप्लाई कर सकते थे, ये क्या हो जाएगा थ्री साइन थीटा, इस थ्री को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया फोर कॉस थीटा, मतलब थ्री साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारा फोर कॉस थीटा। मतलब जहां जहां पर हमारा थ्री साइन थीटा है, जहां जहां पर हमारा थ्री साइन थीटा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं फोर कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको थ्री साइन थीटा को फोर कॉस थीटा, फिर प्लस टू कॉस थीटा, ये सेम टू सेम, यहाँ थ्री साइन थीटा को फोर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर माइनस टू कॉस थीटा, फोर प्लस टू कितना हो गया सिक्स कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में फोर माइनस टू तो कितना हो जाएगा टू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, टू थ्री या सिक्स, तो आंसर कितना हो गया थ्री, आंसर कितना हो गया थ्री, मेथड टू।
बोलो बेटा आ रहा है समझ में, यस या नो? रिप्लाई देगा मेरे को मेथड टू। और नॉट भी करते चलेगा बेटा इसको जल्दी फास्ट। यस नॉट करेगा इसको, नॉट भी करेगा बेटा जल्दी से, साथ ही साथ नॉट भी करते चलना है। मेथड टू रिपीट, रिपीट करें फिर से। देखो हम कुछ नहीं किए यहाँ पर, हम क्या किए ये मेथड टू में, टेन थीटा को तोड़ दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फोर बाई थ्री है तो फोर बाई थ्री। हम क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस थ्री को इधर साइन के साथ तो थ्री साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते ना, तो इस थ्री को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो थ्री साइन थीटा, और इस कॉस थीटा को यहाँ फोर के पास कर दी तो फोर कॉस थीटा। मतलब जहां पर थ्री साइन थीटा है उसके ये इक्वल टू क्या हो गया फोर कॉस थीटा, मतलब थ्री साइन थीटा की जगह में हम फोर कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो जहां जहां थ्री साइन थीटा था उसके जगह में हम लिख दिए फोर कॉस थीटा। अब फोर प्लस टू कितना होगा सिक्स, अब फोर माइनस टू कितना हो जाएगा टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल, टू थ्री जा सिक्स, आंसर थ्री। नहीं आया समझ में? यस समझ में आया, वेरी गुड। हाँ अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो तुमको हम बहुत सारा मेथड सिखा देते हैं, तुमको जो इजी लगेगा उससे तुम सॉल्व करना। मेथड थ्री, मेथड थ्री एम थ्री, टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री, बहुत बच्चा रेशियो पढ़ा है रेशियो फॉर्मूला। फोर बाई थ्री को इसको हम बोल सकते हैं पी, ये हो गया मेरा बी, एच हो जाएगा हमारा फाइव, एच हो जाएगा हमारा फाइव। अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं मेथड थ्री। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना हो गया फोर, हाइपोटेनस फाइव तो फोर बाई फाइव। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा बी बाई एच, बेस हमारा कितना है थ्री, हाइपोटेनस फाइव तो थ्री बाई फाइव। अब यहां रख दो, जहां साइन थीटा है वहां फोर बाई फाइव रखो, और जहां कॉस थीटा है वहां थ्री बाई फाइव रखो। देखो साइन थीटा की जगह में थ्री, फोर बाई फाइव प्लस टू थ्री बाई फाइव, फिर यहां पर थ्री फोर बाई फाइव माइनस टू थ्री बाई फाइव। सॉल्व करो इसको, देखो नॉमिनेटर का एलसीएम लेंगे दोनों का, डिनोमिनेटर फाइव है तो फाइव, नॉमिनेटर सेम टू सेम हो जाएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व, फिर प्लस टू थ्री जा सिक्स। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे यहाँ फाइव फाइव है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है फाइव हो गया, थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस सिक्स, फाइव फाइव कैंसिल, ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन, ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, आंसर थ्री, आंसर थ्री। तुम किसी भी मेथड से बनाओगे सेम आंसर आएगा, किसी भी मेथड से बनाओगे आंसर हमारा सेम आएगा। आ रहा है बेटा समझ में? बोलो समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ये हम रेशियो लगा दिए यहां पर जो सीखे थे, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, पी बी था तो एच निकाल लिए, एच निकाल के पुट कर दिए, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, वैल्यू पुट किए आंसर आ गया मेरा। यस नोट करते चलो साथ ही साथ। हो गया नोट? हो गया। नेक्स्ट देखो एक चीज और देख लो, एक चीज हम इसमें और भी कर सकते हैं, इसमें एक हम और क्या कर सकते हैं देखो यहां ध्यान से, मेथड फोर उसको लिख देगा एम फोर, मेथड फोर एम फोर, मेथड फोर, मेथड फोर थोड़ा सा सीख लो ठीक है। मेरे को टेन थीटा दिया था, मेरे को क्या दिया हुआ था टेन थीटा, टेन थीटा दिया हुआ था यहाँ थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा है। तुम सोचो कि इसका रिजल्ट मेरे को निकालना है और ये दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे कि ये जो दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा इसको टेन में कन्वर्ट कर दे, इसको किस में कन्वर्ट कर दे टेन थीटा में। तो साइन थीटा को टेन में कन्वर्ट करने करेंगे तो क्या करना होगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड देना होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करना होगा। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड मार दो, दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड मार दो। तो तुम इसको ऐसे कर दो थ्री साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर प्लस टू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा,
ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड मार दे रहे हैं, ये 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। बेटा देखो यहां से कॉस कॉस कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा क्या 3 टेन थीटा प्लस 2, और यहां क्या जाएगा 3 टेन थीटा माइनस 2। अब यहां से टेन थीटा हो गया क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। अब टेन थीटा का रिजल्ट तो यहां दिया हुआ है 4/3, तो रख दो 4/3, यहां पर रखेंगे 3 × 4/3 प्लस 2, फिर 3 × 4/3 माइनस 2। देखो 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 + 2 = 6, 4 - 2 = 2, 6/2 = 3, आंसर 3। देख लो कैलकुलेशन करके तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3। तो तुम किसी भी मेथड से सॉल्व करेगा तो आंसर मेरा सेम आएगा, आंसर मेरा सेम आएगा। बोलो आ रहा है समझ में बात, रिप्लाई दे देगा मेरे को बेटा एक बार, समझ में आ रहा है जो हम सारा मेथड बताए तुमको, 4 मेथड इस क्वेश्चन का। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको किस मेथड से सॉल्व करो। मेथड 1 सबसे इजी है, डायरेक्ट उसको रेशियो में तोड़ दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन और कॉस लेके वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ बस ध्यान रखना चाहिए कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका डिग्री हमारा सेम होना चाहिए, तब जाके हम रेशियो पुट करेंगे डायरेक्ट, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग सॉल्व करेगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुमको। अब लो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम दे दिए, 10 थीटा इक्वल टू 5/9। अब हम यहां दे दिए 18 साइन थीटा माइनस सेवन कॉस थीटा, और यहां पर फिर है 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। सही है, सॉल्व करके दिखाओ तो इसको। साइन थीटा 10 थीटा इक्वल टू 5/9 है, फाइंड 18 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इक्वल टू क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से मेरे को, कौन बच्चा है जो बता सकता है। चार मेथड बताया, तुम किसी भी मेथड से हमको एक आंसर बता दो जल्दी फास्ट। फोर मेथड में से तुम किसी भी मेथड का लगाओ और सॉल्व करके बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। 1 स्वेस, देखो एक स्टूडेंट का आंसर आ गया 1, वेरी गुड। और कोई बहादुर बच्चे, 1 आ रहा है, चेक कर लेगा एक बार 1 आएगा या कुछ और आएगा, चेक कर लो। जो भी बच्चे 1 बोल रहा है चेक करेगा अपना आंसर। जल्दी से सॉल्व करेगा, टाइम ज्यादा नहीं लगना, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा। मेरे को दिया है 10 थीटा इक्वल टू 5/9, अब मेरे से पूछ रहा है 18 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसका रिजल्ट बोल रहा है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए। सॉल्व करो जल्दी से, क्या बेटा हो गया सॉल्व? -1, एक बच्चे आंसर बता रहा है -1, चेक करेगा अपना अपना आंसर चेक करेगा एक बार आंसर चेक करेगा। वन प्रथमेश 1, देखो बेटा हम अभी जस्ट तुमको बताए किसी भी तुम मेथड से इसको देखो। सबसे पहले हम यहां देखेंगे 1 + 1, ठीक है, हम देखें कि साइन थीटा इसका कुछ पावर 1 है, कॉस थीटा यहां भी पावर 1 है, कॉस थीटा का पावर 1, साइन थीटा का पावर 1, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर 1,
माइनस वन कुछ बच्चे बोल रहे हैं, माइनस वन नहीं आएगा, प्लस वन आंसर आएगा, चेक करो। अब देखो बेटा यहाँ पर टेन थीटा है, यहाँ पर थीटा हम लिखना भूल गए, यहाँ टेन थीटा है, ठीक है। टेन थीटा को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इक्वल टू हो जाएगा फाइव बाई नाइन। तो तुम डायरेक्ट पुट कर दो ना, साइन थीटा की जगह में फाइव, कॉस थीटा की जगह में नाइन, साइन थीटा की जगह में फाइव और कॉस थीटा की जगह में नाइन। तो 18 इंटू फाइव, सेवन इंटू नाइन, नाइन इंटू फाइव, टू इंटू नाइन, और 18 फाइव जा 90, और सेवन नाइन जा 63, नाइन फाइव जा 45, टू नाइन जा 18, 90 माइनस 63 तो 27, और 25 माइनस 18, फाइव एट सेवन थ्री वन टू, 27, 27, 27 कैंसिल, आंसर वन, आंसर वन। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो चेक करो, जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं वो चेक करेगा। आ रहा है बेटा? यस हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, हम तुमको ही सॉल्व करना है, तुमको ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इफ cot थीटा इक्वल टू रूट फाइव, रूट फाइव, cot थीटा इक्वल टू रूट फाइव, बोल रहा है फाइंड cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, प्लस sec स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू दिस दिस दिस, क्या होगा आंसर बताइए, रिजल्ट। cot थीटा इक्वल टू रूट फाइव दिया है, सोचो जल्दी से और सॉल्व करेगा। ये तो हो गया होगा सभी का नोट, इसमें दिमाग लगाएगा, cot थीटा इक्वल टू रूट फाइव है तो मेरे से पूछ रहा है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में बोला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चन एकदम टेंथ लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब उठाए हैं हम, पूरा रेशियो से रिलेटेड। वन चेक करो बेटा, चेक करो, वन नहीं आना चाहिए, वन आ रहा है क्या? सॉल्व करो अच्छे से। देखो सबसे पहली बात बेटा, यहां पर cot थीटा दिया है रूट फाइव, रूट फाइव है तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन है, कुछ नहीं है तो वन है। तो यहां से देखो हम, बहुत सारा तरीका है, लेकिन तुम यहां पर देखो एक चीज, देखो यहां पर कि ये हमारा cosec स्क्वायर थीटा है और फिर प्लस है sec स्क्वायर थीटा, हमको सोचना है कि कौन सा मेथड हम लगाए कि हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। है कि देखो ये क्वेश्चन देगा तो तुमको चार ऑप्शन देगा, उसमें से एक तुम्हारा सही ऑप्शन है, तो हम जितना कम से कम टाइम में अपने सही ऑप्शन को हम जान जाए कि कौन सा मेरा सही ऑप्शन है वो बेटर है। तो तुमको सोचना होगा क्वेश्चन देखने के बाद कि कौन सा मेथड लगाएगी तुरंत आंसर आ जाएगा। ये cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो बेटा यहां पर cosec स्क्वायर है तो इसका पावर कितना हो गया टू, इसका पावर टू, इसका भी पावर टू, गुंजन वेरी गुड, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू आएगा आंसर, बिल्कुल सही है, थ्री बाय टू, एक बच्चे का आंसर आ गया, सही है। cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, सबका हमारा डिग्री जो है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, पावर हमारा सेम है, तो हम यहां से क्या करते हैं इस cot थीटा को तोड़ देते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, और ये हो गया मेरा रूट फाइव बाई वन। अब हम ले लेते हैं, देखो ये हमको दिया हुआ है कि cos थीटा इक्वल टू रूट फाइव है और sin थीटा इक्वल टू वन है, तो तुम देखो यहां पर cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा दिया है, यहां तो sin cos नहीं है, तो तुम इसको तोड़ दो sin cos में, cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन बाई sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वन बाई cos स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर वन बाई sin स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस क्या वन बाई cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो
cos थीटा इक्वल टू रूट फाइव और sin थीटा इक्वल टू वन। अच्छा अब यहां रखेंगे वन, तो वन का स्क्वायर वन, ये तो वन बाई वन हो गया, फिर प्लस वन cos थीटा, cos थीटा की जगह हम रखेंगे रूट फाइव, रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा फाइव, यहां भी वन बाई वन, फिर माइनस वन बाई फाइव, एलसीएम ले लो नॉमिनेटर वन फाइव का फाइव, फाइव प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी वन फाइव का फाइव, फाइव माइनस वन फाइव, फाइव कैंसिल, फाइव प्लस वन सिक्स, और डिनोमिनेटर में फाइव माइनस वन फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, थ्री बाई टू आंसर, थ्री बाई टू आंसर। आया बेटा समझ में, आ रहा है समझ में, हम डायरेक्ट कैसे पुट कर रहे हैं समझ में आ रहा है, बताओ रिप्लाई देगा मेरे को, यस हाँ यस ठीक वेरी गुड। अच्छा अच्छा सपोज दैट, सपोज दैट अगर यहां पर रहता कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस रहता यहाँ सेक थीटा, ठीक है, और यहाँ प्लस रहता सेक थीटा, तो क्या हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे हम, बताओ तो यस या नो, डायरेक्ट पुट करेंगे cos theta इक्वल टू रूट फाइव, नो 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नो no. हम तेरे को इसलिए पहले सिखाए थे, वो जो a बाई बी था ना वो एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, उस एलजेब्रा को हम घुसा दिए हैं ट्रिगो में, ठीक ना, वो एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, उसको हम रिलेट कर दिए ट्रिगो से, हम तुमको बताएं कि हर हाल में हमारा क्या होना चाहिए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जितना टर्म्स है ना सभी टर्म्स का डिग्री हमारा सेम होना चाहिए, तब जाके हम ये डायरेक्ट वाला पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर टू है इसका डिग्री, इसका डिग्री तो वन हो गया, मतलब इसका पावर टू है लेकिन sec थीटा का पावर वन है, दोनों का पावर सेम नहीं है, नहीं पुट कर सकते, ध्यान रखना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क दे रहे हैं, दो क्वेश्चन, और तुम लोग ट्राई करेगा थोड़ा सा घर में बैठ के दिमाग लगाएगा और इसको सॉल्व करके लाएगा, क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, नोट करेगा साथ ही साथ, इफ इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई वाई कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फोर sin theta into cos theta, 4 sin theta into cos theta, and x sin theta minus y cos theta, x sin theta minus y cos theta equal to 0 है, equal to 0 है, तो बोलता है find find x square plus y square is equal to is equals, हमारे ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन से हम तुमको दे देते हैं 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नन, नन ऑफ दीज, ठीक है, सॉल्व करना है तुमको, जो कॉन्सेप्ट अभी हम सिखाए ना उसी से सॉल्व हो जाएगा, जो भी हम तुमको रेशियो सिखाए ना उसी से तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये एक क्वेश्चन हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देते हैं तुमको ताकि तुम घर में बैठ के थोड़ा टाइम लगाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ले लो, इफ टू वाई कॉस थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा एंड टू एक्स सेक थीटा, टू एक्स सेक थीटा माइनस वाई कॉसेक थीटा, माइनस वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू थ्री, इक्वल टू थ्री, फाइंड फाइंड
एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू डेस 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 इक्वल टू डेस 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 सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यही दो क्वेश्चन सर हमने दो ऑप्शन दे दे क्या इसमें भी सेकंड में, इसमें भी सेम ऑप्शन ले लो फोर फाइव सिक्स और डी में ले लो सेवन, लो सेम ऑप्शन ले लो फोर फाइव सिक्स सेवन। सॉल्व करेगा ये दो क्वेश्चंस, होमवर्क है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू। जहां तक अभी हम कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। आ रहा बेटा समझ में बात, बताओ जो भी बच्चे लाइव हैं रिप्लाई देंगे मेरे को यस पूर्व, तो नोट कर लो ये दोनों क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर स्वेस नोट कर लेगा बेटा दोनों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोनों का, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चंस को नोट करेगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा, नहीं होगा सॉल्व तो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, टाइम हो गया है दो तीन मिनट बचा हुआ, नोट हो गया क्या सभी का? जल्दी से नोट कर लो, टाइम नहीं है, वन मिनट बचा हुआ है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हो गया नोट सभी का? यस। चलो बेटा तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके, नहीं होगा सॉल्व तो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, बाय, और नेक्स्ट क्लास।